भारतीय कंपनियों ने एक बार फिर तोड़ दिया पाकिस्तानियों का घमंड। भारत पर बस को लेकर लड़ रही थी पाकिस्तानी जनता। खुली जब पोल तो निकल आई आंखें। टाटा नंबर वन बनकर लगा गई पाकिस्तान की 6 बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जोरदार झापड़। पाकिस्तान की हो रही थी भारत से बराबरी। आंकड़ों ने पाकिस्तान को कर दिया नंगा। टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा में हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, प्रांत को अलग कर सरिया कानून लागू करना है। दोस्तों, हमें यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में बैठे कुछ बेरोजगार लोग वीडियोस के नीचे जाकर ये कमेंट करते रहते हैं कि पाकिस्तान की रोडवेज भारत की रोडवेज से बेहतर है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारने वाले हैं और असलियत लाकर सबके सामने रख देंगे, और उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि भारत की रोडवेज ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान की। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर पाकिस्तान में बनी बस को भारत में बनी बस से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर। पाकिस्तान में कुल 6 ऐसी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पाकिस्तान में बस को मैन्युफैक्चर करने का दावा करती हैं, लेकिन इसमें भी एक गहरा छुपा हुआ राज है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो के बीच में कहीं पर इस झूठ को लाकर आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में 6 ऐसी कंपनियां हैं जो ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान में वो बस बना रही हैं, जिनमें शामिल हैं नंबर 1 गांधरा निशान, नंबर 2 हिनोपोक मोटर्स, नंबर 3 टोयोटा इंडस, नंबर 4 मास्टर मोटर्स, नंबर 5 वोल्वो पाकिस्तान, नंबर 6 यूटोंग। दोस्तों, ये ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में बस की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन भारत के पास 9 बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पूरी बस की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करती हैं, जिसमें शामिल है नंबर 1 पर टाटा, नंबर 2 पर अशोक लेलैंड, नंबर 3 पर आयशर, नंबर 4 महिंद्रा, नंबर 5 वोल्वो, नंबर 6 स्वराज माजडा लिमिटेड, नंबर 7 JBL, नंबर 8 फोर्स मोटर्स, नंबर 9 भारत बेंज। दोस्तों, ये 9 कंपनियां हैं जो कि भारत में बस की अच्छे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और अगर साल भर में भारत की बस मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो ये पाकिस्तान की साल भर की बस मैन्युफैक्चरिंग से कई गुना ज्यादा है। अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो हमें दिखाई देगा कि अकेले भारत ने 2019 में ही केवल 44,000 बस मैन्युफैक्चरिंग की थी, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ नजर डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि पाकिस्तान में हर साल 1,000 से ज्यादा बस मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं की गई। ये बात उन लोगों को कान खोल कर सुन लेनी चाहिए जो कमेंट में आकर ये बात बोलते हैं कि पाकिस्तान में बस मैन्युफैक्चरिंग की काफी ज्यादा डिमांड है और भारत को इस मामले में पाकिस्तान पछाड़ देता है, तो उनकी ये गलतफहमी उनको दूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बस के एक्सपोर्ट को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पर भी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, और इस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे तो इस क्षेत्र में भी भारत की अच्छी पकड़ है, और इस चीज में भी भारत पाकिस्तान को हरा दे रहा है। भारत में हर एक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत से दुनिया के हर एक देश को अपनी बस एक्सपोर्ट करती है। यही वजह है कि दुनिया के हर एक देश में आपको मेक इन इंडिया बस देखने को मिल जाएगी। भारत में टाटा, अशोक लेलैंड और वोल्वो बस एक्सपोर्ट के मामले में सभी कंपनियों से आगे है। अगर हम पाकिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में 6 कंपनी होने के बावजूद पाकिस्तान की एक कंपनी ने बाहर देश को बस एक्सपोर्ट किया है, और वो पाकिस्तान की तरफ से अफ्रीकन देशों को बस एक्सपोर्ट की गई। हिनोपाक ऐसी जापानी कंपनी है जो कई सालों से बस और ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कर रही है, और इसी कंपनी ने पाकिस्तान से अपनी बस को मैन्युफैक्चरिंग करके अफ्रीकी देश में एक्सपोर्ट किया है। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं बस के पार्ट्स और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करने के लिए, जिससे हमें देखने को मिलेगा कि बताई गई सभी 6 पाकिस्तान की बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में सिर्फ बस को असेंबल करते हैं और बस के सभी क्रिटिकल कंपोनेंट पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक एक भी बस मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान के बस के लिए इंजन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। इन बस के इंजन को बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसके बाद सभी पार्ट आने के बाद इन बस की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में की जाती है। इन इंजनों को जापान, कोरिया और चाइना से ही मंगवाया जाता है। पाकिस्तान में बस की मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर सिर्फ पाकिस्तान में बस की बॉडी ही बनाई जाती है। इसके अंदर लगाए जाने वाले सभी मेन कंपोनेंट विदेश से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर हम इस चीज को भारत से कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि भारत की सभी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बस से 90% कंपोनेंट भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत अपनी बस में अभी भी चीन से कुछ पार्ट लेकर लगाता है, लेकिन हमें यकीन है कि आने वाले समय में इसको भी भारत की तरफ से बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें तो भारत की बस में लगने वाले मेन कंपोनेंट भारत में ही बनाए जाते हैं,
जिसमें शामिल है बस का इंजन, बस की सीटें, बस की बॉडी पूरे तरीके से भारत में ही मैन्युफैक्चर की जाती है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं स्वदेशी इंजन की तरफ, तो हमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में एक भी ऐसी कंपनी मौजूद नहीं जो कि पाकिस्तान की खुद की कंपनी हो। लेकिन अगर हम भारत की तरफ नजर डालेंगे तो हमें भारत की स्वदेशी कंपनी बस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ऊपर नाम निकल कर आता है भारत के टाटा का, उसके बाद अशोक लेलैंड, महिंद्रा, JBL, फोर्स मोटर्स, एसर, जो कि पूरे तरीके से भारतीय है। हमें आयशर का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाल ही में आयशर ने वोल्वो के इंडियन बस का शेयर अपने नाम खरीद लिया। वैसे दोस्तों, अब उन सभी लोगों को जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान बस बनाने के मामले में भारत से आगे निकल चुका है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। वैसे जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग झूठी उम्मीद में जी रहे थे, उनको अब सच का पता चल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी खबर की तरफ, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP आतंकी समूह ने प्रमुख रूप से पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा में अपने टारगेटिंग हमलों को तेज कर दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रांत में सेना और राज्य के खिलाफ एक आतंकवादी अभियान चलाकर सरकार को गिराना और सरिया कानून लागू करना है। आतंकवाद पर 2021 वाली रिपोर्ट के अनुसार TTP अपने गुर्गों की तैनाती के अभ्यारण के रूप में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा और दोनों तरफ के ट्राइबल बेल्ट का उपयोग करता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब TTP फिर से देश में मजबूत होने लगा है। रिपोर्ट ने आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया को बनाए रखने में पाकिस्तान की विफलता की भी आलोचना की। यही कारण है कि आतंकवादी समूह समय समय पर फिर से संगठित होने और फिर से इकट्ठा होने में सक्षम है। इसमें जोर देकर कहा गया कि TTP के अलावा पाकिस्तान को ISKP, अफगान तालिबान और उज्बेकिस्तान के इस्लामी आंदोलन से बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। माना जाता है कि इन ग्रुप के पास पाकिस्तान में 3,000 से 5,000 के बीच आतंकवादी हैं और उन्होंने देश के नागरिकों और सरकारी अधिकारियों पर हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के इस दावे का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने के लिए आलोचना की गई कि वो किसी भी आतंकी समूह को देश में अपनी मिट्टी और कार्य का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी समूह 2021 में पाकिस्तानी जमीन से काम करते रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने 2021 में आतंकी वित्त पोषण का मुकाबला करने और कुछ भारत केंद्रित आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाए। अधिकारियों ने उन्हें खत्म करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की। आर्थिक रूप से टूट चुके पाकिस्तान को अब TTP की तरफ से भी लूटा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या TTP का कब्जा पाकिस्तान पर हो पाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।